यहाँ के लोगों के बूढ़ा ना होने की वजह जानो। मेहरबान कदरदान वजह जान रह जाएंगे हैरान। 80 साल की औरत लगे 20 साल की, 90 साल का आदमी भी बिल्कुल जवान, 120 साल तक जिंदा रहता है यहाँ पर इंसान। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर पर कई लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे 30 की उम्र के बाद अधिकतर महिलाओं की स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां आने की संभावना बढ़ जाती है। मर्दों का शरीर कमजोर होने लगता है, साथ ही पुरुष और महिलाएं दोनों के ही बाल भी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ इस तरह के लक्षण नजर आना आम बात है। हालांकि एक कम्युनिटी ऐसी भी है जहां 80 साल की महिलाएं भी 30-40 साल की खूबसूरत और जवान नजर आती हैं। वहीं इस कम्युनिटी के मर्द 90 साल में भी फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी कहानी। दरअसल हम यहाँ पाकिस्तान की हुंजा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ये कम्युनिटी उत्तरी पाकिस्तान की कराकोरम पहाड़ी के हुंजा घाटी के नाम से चर्चित जगह पर रहती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि यहाँ लोगों को औसतन उम्र 100 साल से ज्यादा होती है। यहाँ अधिकतर लोग 120 साल तक जिंदा रहते हैं। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो यहाँ के लोगों को कभी कैंसर या हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियां नहीं होती। इसके पीछे की वजह हुंजा कम्युनिटी की हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट बताई जाती है। क्या है सीक्रेट? बता दें कि हुंजा कम्युनिटी में बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़ों तक वो सुबह 5 बजे उठकर पैदल घूमने का रिवाज है। कहा जाता है कि इस कम्युनिटी के लोग दिन में केवल 2 बार ही खाते हैं, जिसमें पहला मील वो दोपहर 12 बजे लेते हैं और फिर दूसरा रात के समय। यहाँ रहने वाले लोग पाकिस्तान की बाकी कम्युनिटियों से कहीं ज्यादा एजुकेटेड हैं। वहीं इनका खाना भी पूरी तरह हेल्दी रहता है। यहाँ के लोगों के लिए खेती या किसी भी तरह के फल, सब्जियाँ और अनाज को उगाने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बैन है। इस तरह ये केवल नेचुरल खाने का सेवन ही करते हैं। ऐसी होती है इनकी डाइट। खासतौर पर यहाँ जौ, बाजरा, कट्टू और गेहूँ खाया जाता है। वहीं सब्जी में यहाँ के लोग अधिकतर आलू, मटर, गाजर, शलगम खाना पसंद करते हैं। इन सब के अलावा हुंजा घाटी के लोग एक खास तरह की चाय पीते हैं, जो ग्रीन टी या लेमन टी से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के लोग केवल किसी खास मौके पर ही मीट आदि का सेवन करते हैं। साथ ही अधिकतर तेल, भुने और मसालेदार खाने से भी दूर ही रहते हैं। इस तरह यहाँ लोग बेहद कम बीमार पड़ते हैं और लंबी उम्र तक सेहतमंद रहते हैं। इसी कड़ी में इस कम्युनिटी पर कई लोग किताबें भी लिख चुके हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रोचक खबर? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज़ यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।